हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक फूड। में हूँ आपकी होस्ट अलविना फरीद। तो बस चंद सामानों के साथ मैं वापस आई हूँ एक नई रेसिपी लेके ब्रेड की। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि दूध, ब्रेड, रिफाइंड शक्कर, ग्रेट करा हुआ काजू बादाम, और साथ में मैंने लिया है यहाँ पे इलायची का पाउडर, और यहाँ पे है केसर और फूड कलर। तो बस आधे लीटर दूध में हम एक कप शक्कर ले लेंगे, और ये आधे लीटर दूध के हिसाब से परफेक्ट मीठा था। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप शक्कर और ले सकते हैं। तो बस इधर दूध गर्म कर रही हूँ मैं, इस साइड रिफाइंड गर्म कर रही हूँ। तो बस रिफाइंड हमारा जब तक गर्म हो रहा है, हम यहाँ पे कट कर लेंगे ब्रेड्स। तो बस इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स कट कर लेंगे। शेप आपके ऊपर है, जैसी मर्जी हो वैसे शेप काट लें। तो बस यहाँ पर हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है ब्रेड्स को। तो फ्राई करने के टाइम पर हमें फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, नॉर्मल फ्लेम पे हमें इसे ना गोल्डन होने तक का फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो जल जाएगी और ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई होती है, और इसीलिए हमें क्रंच अच्छा चाहिए। तो हमें इसको स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना रहेगा। तो बस इसी तरीके से हम अलट पलट करके गोल्डन फ्राई कर लेंगे ब्रेड्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ब्रेड्स फ्राई हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को कर लेंगे फ्राई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमारी ब्रेड फ्राई होनी चाहिए, क्रंची सी। तो चलिए सारी ब्रेड्स फ्राई जब तक करते हैं। जो हमने दूध रखा था पकने के लिए वो गर्म हो चुका है, तो उसमें हमने डाल दिया है इलायची का पाउडर, केसर, और बस इतना डाल के हम इसे और पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड पर अच्छे से पक रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है फूड कलर, क्योंकि हमें थोड़ा सा कलरफुल सा चाहिए रेसिपी। तो बस इसी रेसिपी के लिए हम इसमें एक चम्मच से कम डालेंगे फूड कलर, और ये फूड कलर ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज। तो बस अच्छे से हम इस दूध को यहाँ पे चला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस 5 मिनट हमें इस दूध को पकाने के बाद इसके अंदर हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, उसके बिना तो जायके ही नहीं आना है। तो बस मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे देखिए मैंने कस्टर्ड 1.5 चम्मच ले के खोल लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। एक तो ये दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर देगा, ऊपर से इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। तो बस हमने कस्टर्ड डाल के 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको पका लिया है 5 मिनट। बस मैं इस फ्लेम को बंद कर दूंगी और रूम टेम्परेचर तक इसको ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है मीठा केवड़ा 2 बूंद, और ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर, यानी गुलाब जल में डाल रही हूँ 1 चम्मच, और बस अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से मिला लें, क्योंकि अच्छे से पूरा इसका जो खुशबू है पूरे दूध में आ जाए। और एक ट्रे में मैंने निकाल ली है गोल्डन ब्रेड्स, यानी फ्राई करी हुई ब्रेड्स। तो बस इसके ऊपर हम इस लिक्विड को डालते जाएंगे, और हमें डालना इस तरीके से है कि चम्मच से हम चलाते जाएं बराबर, क्योंकि छोटी इलायची का पाउडर तो वो नीचे ही रहेगा, अगर आप अच्छे से चला के डालेंगी तो वो दूध के साथ इन ब्रेड्स पे भी आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी ब्रेड्स पे ये दूध डाल दिया है, और आप देख सकते हैं। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैंने ग्रेट करके रखा था बादाम, डाल दिया है इस पर। तो बस बादाम को डाल दी इसी पे, उसके बाद मैंने ग्रेट किया था काजू, तो मैं काजू भी डाल दूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कोई और सा ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो बस ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये जो इसका लिक्विड है ना, ये इसको एकदम अंदर एड्जॉर्व कर लेगा। तो मिलते 15-20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैं लेके आ गई हूँ, 15 से 20 मिनट हो गए थे, और यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से सारा लिक्विड ना सोख गया है, और ये ब्रेड बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस ऊपर से मैं डाली दे रही हूँ मलाई, क्योंकि अगर शाही टुकड़े हैं या शाही तोश हैं, कुछ भी आप कह लें, तो उस पर मलाई ना हो तो मज़े ही नहीं आता है। तो बस मलाई सारे पीस पर हम लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने चांदी का वर्क लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं अच्छा लगेगा कि मैं ये बना रहे हैं, अगर दस्तरखान पे थोड़ी से सजा के चीज़ें रखी जाएं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खाने का भी मज़ा आता है और देखने का भी मज़ा आता है।
तो बस इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स पे लगा लेंगे चांदी का वर्क। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी शाही तोश। और यहाँ पे देखिए एकदम जाल भी क्रंची सा बना हुआ है, साइड का क्रंच भी बहुत अच्छा लग रहा था, और टेस्ट में तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, लाजवाब सी बनी थी। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल वी मेक फूड को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिसने मेरी मोहब्बत शरबत की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। थैंक यू सो मच गाइज़।